तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो भी नॉन एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनको हमें जो है एक ऑर्डर में जमाना है, एक टेबल में जमाना है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट फाउंड इन द नेचर, उसी को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, तो अगर हम अब तक के टोटल एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो सो फार द नॉन एलिमेंट्स आर 118। इतने एलिमेंट की डिस्कवरी अब तक हो चुकी है और उनको हमने एक टेबल में जमा रखा है। अब देखिए, शुरुआत में ये सारे एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। धीरे धीरे करके एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो कुछ बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए कि इनको एक ऑर्डर में जमाया जाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अर्ली अटेम्प्ट्स की। शुरुआती जो अटेम्प्ट थे वो कौन से थे, ठीक है। तो शुरुआत में तो क्या था कि मेटल को एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया दो कैटेगरी में, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल वो जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छी तरीके से कंडक्शन करते हैं और नॉन मेटल वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। तो बहुत अर्ली क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। बाद में फिर जैसे जैसे ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो फिर साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स दिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो है डोबरनियर्स ट्रायड। डोबरनियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड ही गेव रूल बेस्ड ऑन द ट्रायड। तो क्या किया उसने, ही अरेंज द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। पॉइंट क्या है कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट जमाने हैं, ठीक है, इन ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट। सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट जमाने इन ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट और इन ग्रुप्स को हमने क्या नाम दिया है, ट्राइड्स। तो तीन एलिमेंट का एक ग्रुप है जिसको ट्राइड नाम दिया है और इनमें खासियत क्या होनी चाहिए, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मिलती जुलती प्रॉपर्टीज वाले, ठीक है। तो व्हाट ही डिड डोबरनियर ने क्या किया कि ट्रायड एलिमेंट्स आर प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यानी तीन एलिमेंट जमाने मुझे एबीसी, तो वो कैसे हमने जमाया, मोलर मास के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर मास। और ये ग्रुप जो है इसको हमने क्या नाम दिया, ट्रायड। तो डोबरनियर ट्रायड में उसने अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एंड वाट ही फाउंड, ही फाउंड दैट द मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज रफली एवरेज ऑफ मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। यानी ये क्या बोल रहा है कि जो बी का मास है वो इन दोनों के एटॉमिक मास का रफली एवरेज है, ठीक है ना। तो दिस वॉज नॉट ए रूल, दिस वॉज ए ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन उसे कहां से मिली, ठीक है, उसके पास तीन एलिमेंट थे, ठीक है, तीन एलिमेंट थे अपने पास, जैसे मान लो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन एलिमेंट का उसने ट्राइड बनाया। इन तीन एलिमेंट को साथ में इसलिए रखा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती थी, ये सारे प्लस वन आयन बनाते हैं, तो एल्कली मेटल्स को उसने अरेंज किया, ठीक है। एटॉमिक मास उसके पास था लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, ठीक है, और सोडियम का 23। डोबरनियर ने इन दोनों एलिमेंट का एवरेज निकाला, लिथियम और पोटेशियम का एवरेज निकाला 7 + 39/2, तो एवरेज वास एग्जैक्टली इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोडियम। तो इन दोनों का अगल बगल वाले का एवरेज इसके बराबर या इसके आसपास होगा, मतलब रफली एवरेज ऑफ मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। सिमिलरली इसने क्या किया, जैसे हेलोजन है हमारे पास, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मोलर मास क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127, ठीक है। इसने क्या किया, क्लोरीन और आयोडीन के मोलर मास का एवरेज लिया, ठीक है, मोलर मास का एवरेज इसने निकाला तो ये आता था 81, ठीक है। सो दिस 81 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलर मास ऑफ ब्रोमीन। तो ट्राइड समझ गए हैं, तीन एलिमेंट का एक ग्रुप है सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का, अरेंज किया एटॉमिक मास के ऑर्डर में, और व्हाट ही फाउंड
कि इसका मोलर मास जो है या एटॉमिक मास जो है वो अगल बगल वाले दो एलिमेंट के मोलर मास का एवरेज आएगा या रफली उसके बराबर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसने ट्रायड का रूल दिया। चलिए, जो दूसरा अटेम्प्ट था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, ये किया था न्यूलैंड ने। न्यूलैंड का जो लॉ है इसे बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव नंबर मतलब 8, ठीक है। तो व्हाट ही डिड कि न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। अब एटॉमिक मास में जमाने के बाद, अच्छा, इसने कितने एलिमेंट को जमाया था जो उस समय तक डिस्कवर हुए थे। सो ही अरेंज एलिमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू थोरियम एंड देयर वर 56 एलिमेंट बिटवीन दीज टू एलिमेंट, ठीक। तो चूंकि उस टाइम बहुत कम एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी तो केवल 56 एलिमेंट थे जिन पे इसने न्यूलैंड ने लगाया है। तो यहीं से एक लिमिटेशन पता लग गई कि बहुत सारे एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, शुरुआती कुछ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था, ठीक। अब एलिमेंट को एटॉमिक मास में जमाने के बाद व्हाट ही फाउंड, ही फाउंड दैट एवरी एट द एलिमेंट रिसेम्बल्स सिमिलर प्रॉपर्टी एज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि अगर हम काउंट करते जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। तो फिर वो किस रूल को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ ऑक्टेव को, ठीक। अब ये चीज इसने ऑक्टेव नाम क्यों दिया, क्योंकि म्यूजिक में जो है एट जो आता है, एट जिसको बोला है अपन सुर, वो पहले के जैसा आता है। जैसे हिंदी में भी सारे गामा पाधा इस तरीके से होता है, तो वो सा वर्ड वापिस रिपीट होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसने म्यूजिक के हिसाब से देखा कि म्यूजिक में जैसे ऑक्टेव होते हैं और ऑक्टेव में आठवां जो म्यूजिक का सुर है वो रिपीट होता है, सेम इसी तरीके से बोला एलिमेंट भी आठवां रिपीट करेगा पहले की प्रॉपर्टी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे जमाए तो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक। अब इसमें नियोन नहीं है। नियोन क्यों नहीं है कि एट दैट टाइम इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। तो अब अगर मैं यहां से पहले से काउंट करूं तो फर्स्ट से काउंट करूं तो एट एलिमेंट आएगा सोडियम। तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर थी। फिर अगर मैं बेरिलियम से काउंट करूं तो बेरिलियम से काउंट करने पर एट एलिमेंट आएगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है। फिर मैं बोरोन से काउंट करूं फर्स्ट तो बोरोन से काउंट करने पे एट एलिमेंट आएगा एल्यूमिनियम। तो बोरोन और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये एक तरह से क्या था कि सिंपल स्टेट अपन एटॉमिक मास के हिसाब से जमा रहे हैं और हर एट एलिमेंट को रिसेंबल करवा रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। अभी तक पीरियोडिक टेबल नहीं बनाई गई थी, अभी तक सिर्फ जो है इसको अरेंज करके इसको स्टडी किया जा रहा था कि एलिमेंट को अपन एक लाइन में जमा दें, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो एक टेबल की फॉर्म में है, यानी उसमें रोज है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जमे हुए हैं, ठीक है। वहां तक ये आया नहीं, अभी सिर्फ ये एटॉमिक मास को ही स्टडी कर रहा है, ठीक। चलिए, तो अगला हम देख रहे हैं लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ठीक। तो क्या कमियां थी इसकी न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ की, जैसा हम जान चुके हैं ऑलरेडी कि एवरी एट एलिमेंट रिसेंबल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक। तो पहली लिमिटेशन ये है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम के आगे वाले एलिमेंट्स में जाएंगे तो भी धीरे धीरे इसका जो फॉलो है वो कम होता जाएगा फॉलोइंग। तो बहुत ही लाइटर एलिमेंट्स पे दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स, लाइक जैसा हमने जाना कि 56 एलिमेंट पे लगाई क्योंकि उस समय तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, बाद में नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और उन पे एप्लीकेबल नहीं था। तो लिमिटेशन ये हो गई कि एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स और एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। इसके बाद इधर आए हम कि जो ये बोल रहा है कि एवरी एट एलिमेंट इज रिसेंबल सिमिलर पॉसिबिलिटी, बट उस टाइम तक इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। सो एट दैट टाइम नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड, सो दे वर नॉट इंक्लूडेड। अदरवाइज व्हाट वुड हैपन ना कि इफ वी विल काउंट, इफ वुड हैव काउंट नोबल गैसेज ना, इट वुड बी द
ninth element as a number. Like for the example, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon or फिर sodium. अब मैं count करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब सोडियम वास्तव में कौन सा एलिमेंट है काउंटिंग करने में नाइन्थ. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नियोन नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम. तो इसने चूंकि ये डिस्कवरी नहीं हुई थी तो इसने काउंटिंग कैसे की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लो यहां पे फ्लॉप हो गया कि इनर्ट गैसेस को उस समय इंक्लूड नहीं किया गया था. अब क्वेश्चन ये है कि डोबर्नियस ट्राइड कैन एग्जिस्ट इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव और नॉट. सो आंसर इज यस. डोबर्नियस ट्राइड ऑल्सो एग्जिस्ट इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव लो. कि ऑक्टेव लो के हिसाब से हम देखें कि वन के बाद एथ एलिमेंट है, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है इसका मोलर मास जो है वो इन दोनों के एवरेज के बराबर होता है. तो जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लो है उस पर डोबर्नियस ट्राइड भी एप्लीकेबल होता है. डोबर्नियस ट्राइड में जो लिमिटेशन है वो ये है कि ओनली 3 ट्राइड्स वर आइडेंटिफाई एट दैट टाइम. यानी कि एलिमेंट तो बहुत सारे थे लेकिन जो बात डोबर्नियस बोलता था तो डोबर्नियस का ये था कि यहां पे मिड वाला एलिमेंट जो है अगल बगल वाले दोनों एलिमेंट का एवरेज मास सकता है. लेकिन इस तरीके का फॉलो करने वाला ये केवल 3 ग्रुप ही बना सका, 3 ट्राइड ही बना सका. तो ये इसकी लिमिटेशन थी. तो अब तक कोई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जिसको अपन कहें कि सिस्टमेटिक अप्रोच अब तक नहीं आई. सिंपल 2 रूल है हमारे पास, ठीक है ना, और आगे जो है फिर हम पढ़ेंगे.